हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेक ई एम हियर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ओप्पो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज़ के बारे में, जो कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ही जून के महीने में ओप्पो रेनो 5 सीरीज़ लॉन्च हुआ था। तो इसीलिए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल जून के अंदर ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ लॉन्च हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर एक लीक के बारे में बात करूंगा जो कि डिजिटल चार्ट स्टेशन की तरफ से मिला है, और इन्होंने इस पोस्ट को वीबो जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है चाइना के अंदर, वहां पर किया है। उस पोस्ट को भी मैं आपको शो करा रहा हूं। ये जो पोस्ट है चाइनीज़ में है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर रुकिए मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको। 10 seconds later. ये जो पोस्ट है इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि ये जो स्मार्टफोन है कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन इनके पोस्ट आने के बाद कुछ ऐसे रूमर्स निकलना स्टार्ट हो चुका है कि जिनमें बताया जा रहा है ये जो स्मार्टफोन है ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में डिजिटल चार्ट स्टेशन ने बताया है। तो ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन के अंदर हमें 6.55 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और इन सब के अलावा अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD प्लस देखने को मिल सकता है। इसके साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बना हुआ प्रोसेसर है। MediaTek की तरफ से ये जो प्रोसेसर है एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हैं और डेली लाइफ यूजेस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अच्छे प्रोसेसर के साथ ये जो स्मार्टफोन है हमें देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं कैमरा की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही बात करें बैक कैमरा की, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन मेन जो प्राइमरी कैमरा होगा वो है 64 मेगापिक्सल का। और जो कैमरा होंगे इसके साथ, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने लीक के अंदर नहीं दिया है डिजिटल चार्ट स्टेशन ने। अब चलिए बात करते हैं बैटरी के बारे में। यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है। इसके साथ 65 वाट का रैपिड चार्ज का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही बात करें रैम और स्टोरेज की, यहाँ पर आपको अप टू 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन डिजिटल चार्ट स्टेशन ने बताया है, लेकिन कौन सा स्मार्टफोन होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन कुछ र्यूमर्स उठा जिसके अंदर बताया जा रहा था कि ये स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन हो सकता है। ये बात कितना सही है और कितना गलत, ये चीज़ें आगे फ्यूचर के अंदर और लीक्स जब आएंगे तब ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो आगे के जो भी अपडेट आएंगे उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वहीं पर बात करें, इस सीरीज़ के अंदर और दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। एक है ओप्पो रेनो 6 प्रो, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ लीक से पता चला था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।